नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान की जो प्रमुख चोटियां हैं उन प्रमुख चोटियों के बारे में हमने पढ़ा था और उनको सूत्रों के माध्यम से हमने इन चोटियों की चर्चा की थी। और आज हम वापस इस टॉपिक में हम चोटियों की चर्चा करेंगे और सूत्रों के माध्यम से करेंगे। देखिए, यहाँ से आगे इन चोटियों की बात करें तो वो कौन कौन सी चोटियाँ हैं और उन चोटियों को याद करने के लिए आपको सूत्र है वो कौन कौन सा याद रखना है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप राजस्थान का मानचित्र है वो यहाँ से याद करेंगे। देखिए, ये तो आपके सामने राजस्थान का मानचित्र, और इसी मानचित्र पर आप देखिए यहाँ से इन चोटियों की देखिए बात करते हैं तो कौन सी चोटी यहाँ पर आपके सामने और आती है। ये तो हो गया आपके सामने देखिए राजस्थान है, इस राजस्थान का मानचित्र। इसी राजस्थान में देखिए सारी की सारी चोटियों की अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है सिरोही जिला। कौन सा याद रखना है? यहाँ से सिरोही जिला। इस सिरोही जिले की बात करें तो देखिए, जो चोटियां हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी और उसके बाद में देखिए सिरोही में और कौन कौन सी चोटियां हैं, तो इनकी देखिए अपन चर्चा करेंगे और सूत्र के माध्यम से उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, सिरोही में अगर अन्य चोटियों की बात करें तो उनको याद करने के लिए भी आपको देखिए यहाँ से एक सूत्र है वो याद रखना है। और वो सूत्र क्या है तो याद रखेंगे, देखिए यहां पर आप अरे ऋषि माना अब संवारिया चोटी, संवारिया चोटी सिरोही में है। देखिएगा, यहां पर आपके सामने सूत्र लिखा है कि अरे ऋषि माना अब संवारिया चोटी सिरोही में है। तो यहाँ पर देखिए, जो चोटियां हमने पहले पढ़ी थी उनके अलावा देखिए यहाँ पर सिरोही जिले में कौन कौन सी चोटियां आती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये सूत्र बताया है कि अरे ऋषि माना अब संवारिया चोटी सिरोही में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है अरे, अरे का मतलब यहां से ए का तो मतलब आपको याद रखना है यहां से देखिए अल्पा चोटी। कौन सी चोटी याद रखना है? यहां से अल्पा चोटी। यहां पर लिखा है देखिए रे, रे का मतलब यहां से आपको याद रखना है रेवदा चोटी। कौन सी चोटी याद रखनी है? यहां से रेवदा चोटी। उसके बाद में लिखा देखिए यहां पर ऋषि, ऋषि का मतलब है यहां पर ऋषि केश चोटी, ऋषि का मतलब होगा यहां से ऋषि कैसे चोटी। उसके बाद में लिखा देखिए यहां पर माना, माना का मतलब यहां से मां से तो आपको याद रखना है देखिए मान गांव में चोटी। कौन सी चोटी याद रखनी है आपको? यहां से मान गांव चोटी। और ना का मतलब यहां से आपको याद रखना है नावा वास चोटी। कौन सी चोटी याद रखनी है आपको? यहां से नावा वास चोटी। उसके बाद में यहाँ पर अब को आपको यहाँ से देखिए साइलेंट करना है और यहाँ पर लिखा है संवारिया। तो यहाँ पर नावावास के बाद में चोटी आती है आपके सामने संवारिया चोटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये संवारिया चोटी, सारी की सारी चोटी आपके सामने देखिए कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। तो आप एक सूत्र याद रखना, एक सूत्र के माध्यम से आपके सामने सारी की सारी चोटी याद हो जाएगी कि अरे ऋषि माना अब संवारिया चोटी कहाँ है। तो आप लोगों को बताना है कि ये तो सिरोही जिले में, कि अरे ऋषि माना अब संवारिया चोटी सिरोही में। तो यहां से आप याद रखो अल्पा चोटी, रेवदा चोटी, ऋषिकेश चोटी, मानगांव चोटी, नावावास चोटी और संवारिया चोटी। क्लियर है? उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा आता है? जयपुर जिला। इस जयपुर जिले में आपके सामने देखिए कौन कौन सी चोटियां और आती है। तो यहां से आपके सामने देखिए सूत्र याद रखना है,
यहाँ से भी आप एक सूत्र याद रखोगे कि जयपुर में कौन कौन सी चोटियां हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या कहता है कि जयपुर के जनाब ने जयपुर के जनाब ने चोटी के बीच में बम बजाया। देखिएगा यहां पर आपके सामने ये कहा जाए कि राजस्थान के जयपुर जिले में और कौन कौन सी चोटियां हैं। तो इससे पहले हमने जयपुर जिले में चोटियों के बारे में चर्चा की थी और अभी अपन देखिए सूत्र के माध्यम से जयपुर की सारी चोटियों को यहां से याद करते हैं। तो यहां पर लिखा कि जयपुर का एक जनाब है, जयपुर का एक जनाब था और उस जनाब ने चोटी के बीच में क्या बजा दिया, बम बजा दिया। तो यहां से ये सूत्र आपको यहां से पहले याद रखना। तो यहां पर देखिए चोटी देखिए कहां की चल रही है, जयपुर जिले की चल रही है और यहां पर सारी की सारी चोटियों को यहां से आप याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है जनाब, जनाब में पहले लिखा जय, उसके बाद में लिखा ना और उसके बाद में लिखा ब। तो यहां पर देखिए पहले नंबर पर आपको याद रखना है सबसे पहले जयगढ़ चोटी। सबसे पहले चोटी कौन सी याद रखनी है, जयगढ़ चोटी। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है ना, ना का मतलब आपको याद रखना है नाहरगढ़ चोटी। उसके बाद में कौन सी चोटी आ जाएगी, नाहरगढ़ चोटी। उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने लिखा है बै का मतलब यहां से आपके सामने चोटी आ जाएगी बरवाड़ा चोटी। कौन सी चोटी आ जाएगी, यहां से बरवाड़ा चोटी। उसके बाद में देखिए यहां पर जनाब ने चोटी के बीच, तो यहां पर लिखा बीच, बीच का मतलब यहां से देखिए आपके सामने चोटी कौन सी होगी, तो याद रखिएगा बीचों चोटी। और उसके बाद में लिखा देखिए यहां पर बम बजाया, तो बै का मतलब यहां से देखिए आप क्या करेंगे, बै का मतलब करेंगे बैराट चोटी। कौन सी चोटी, बैराट चोटी, ये भी आपको पता है बैराट है ये जयपुर में। और उसके बाद में लिखा है मैं का मतलब आपको याद रखना है यहां से मनोहरपुरा चोटी। तो देखिए यहां पर इस सूत्र के माध्यम से आपको कितनी चोटियां है वो प्राप्त हो रही है आपके सामने, यहां से देखिए जयगढ़ चोटी है वो प्राप्त हो रही है, यहां से आपके सामने नाहरगढ़ चोटी है वो प्राप्त हो रही है, बरवाड़ा चोटी है वो जयपुर में प्राप्त हो रही है, यहाँ से बीचून चोटी आपको जयपुर से प्राप्त हो रही है, बैराट चोटी है वो आपको जयपुर से प्राप्त हो रही है, उसके अलावा मनोहरपुरा चोटी है वो आपको जयपुर से प्राप्त हो रही है। तो ये सारी की सारी चोटियां आप यहाँ से याद रखोगे कि सारी चोटी जयपुर में है, कि जयपुर के जनाब ने चोटी के बीच में बम बजा दिया। उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने देखिए जिला आता है कौन सा, भरतपुर जिला। यदि से भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में देखिए आपके सामने कौन कौन सी चोटियां आती है, तो पहले तो आप इन सारी की सारी चोटियों का यहां से स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं, क्योंकि इन चोटियों को अपन मिटाएंगे और यहां पर भरतपुर की चोटियों को यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा ये तो आपके सामने जयपुर की सारी चोटियां है वो हो चुकी है और अभी बात करते हैं देखिए भरतपुर की, और इन भरतपुर की चोटियों को देखिए आपको याद कैसे रखना है। तो यहां पर देखिए भरतपुर की चोटियों को याद रखने के लिए भी यहां से आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र कौन सा याद रखना है, सूत्र आपको याद रखना है कि अलीपुर का छोरा, कहां का छोरा, अलीपुर का छोरा भरतपुर की चोटी पर उदम मचावे। देखिए बहुत ही प्यारा सूत्र है ये भी, पहले हमने पढ़ा था कि जयपुर के जनाब ने चोटी के बीच में बम बजा दिया, और अगला सूत्र आपके सामने देखिए कौन सा आ रहा है कि एक अलीपुर का छोरा था और उसने भरतपुर की चोटी पर क्या मचा दिया, उदम मचा दिया। तो यहां से अलीपुर का छोरा भरतपुर की चोटी पर क्या मचा रहा है, उदम मचा रहा। तो यहां से देखिए कौन कौन सी चोटी आपके सामने प्राप्त होगी।
देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा अलीपुर, अलीपुर का मतलब यहां से आपको याद रखना है, देखिए कौन सी चोटी, तो याद रखेंगे अलीपुरा चोटी। यहां से आपके सामने कौन सी चोटी है, अलीपुरा चोटी। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है छोरा, छोरा का मतलब यहां से आपको याद रखना है, देखिए यहां से छापर चोटी, यहां से कौन सी चोटी याद रखनी है, छापर चोटी। उसके बाद में देखिए यहां पर भरतपुर की चोटी पर उदम मचा है, तो यहां पर देखिए ऊ का मतलब यहां से लेना, आपके सामने देखिए ऊ का मतलब उजिरा चोटी, यहां से ऊ का मतलब याद रखना, यहां से कौन सी चोटी, उजिरा चोटी। उसके बाद में लिखा देखिए यहां पर दय, दय का मतलब यहां से आपको याद रखना है दमदमा चोटी, यहां से आपके सामने कौन सी चोटी आ जाएगी, दमदमा चोटी। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है मैं का मतलब यहां से आपको याद रखना है मंदोली चोटी। देखिएगा यहां से आपके सामने देखिए अलीपुर का छोरा, भरतपुर की सारी चोटियों पर क्या मचा रहे हैं, उदम मचा रहे हैं, तो अलीपुर का छोरा भरतपुर की चोटी पर उदम मचा, तो अलीपुर का मतलब तो देखिए यहां से क्या प्राप्त हो गया, अलीपुरा चोटी। यहाँ पर छोरा का मतलब आपके सामने हो गया छापर चोटी, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऊ का मतलब हो गया उजीरा चोटी, दय का मतलब हो गया आपके सामने दमदमा चोटी, और यहाँ पर आपके सामने मय का मतलब हो गया मंदोली चोटी। और यदि से राशि भी आप एक चोटी का नाम और याद रखना चाहो, तो यहां से एक चोटी आप और याद रखना जिसका नाम है राजिया चोटी। कौन सी चोटी याद रखनी है आपको, कि ये जो राजिया चोटी है, ये राजिया चोटी आपके सामने कौन से जिले में है, तो याद रखेंगे भरतपुर जिले में। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने देखिए जिला आता है कौन सा, उदयपुर जिला। अब इसे उदयपुर जिले की देखिए सारी की सारी यदि चोटियों की बात करें, तो ये देखिए उदयपुर जिले में आपके सामने देखिए कौन कौन सी चोटियां है वो प्राप्त होती है, तो इनको भी देखिए यहां से याद करने के लिए आप यहां से एक सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। और सूत्र क्या कहता है, तो यहां से उदयपुर में देखिए सारी की सारी जब चोटियों को आप लोग याद रखेंगे, तो यहां से आप याद रखेंगे कि आबार सिंधु, आबार सिंधु उदयपुर की चोटी पर, उदयपुर की चोटी पर हवा की लंगोटी। देखिए यहां से भी आपके सामने प्यारा ही सूत्र है, सूत्र है आपके सामने कि आबार सिंधु उदयपुर की चोटी पर हवा की लंगोटी। तो यहां पर आपको देखिए ये याद रखना कि यहां पर उदयपुर की कौन कौन सी चोटी है, और उदयपुर की चोटी पर क्या हो रहा है कि आबार सिंधु उदयपुर की चोटी पर हवा की लंगोटी। तो यहां से देखिए सबसे पहले लिखा है आबार, आबार का मतलब यहां से आपको याद रखना है, देखिए यहां से आवार चोटी, सबसे पहले आपको चोटी कौन सी याद रखनी है, आबार से आवार चोटी। उसके बाद भी देखिए यहां पर लिखा सिद्धू, सिद्धू का मतलब यहां से सी का मतलब आपको याद रखना है, यहां से सिरार चोटी, यहां से कौन सी चोटी याद रखनी है, सिरार चोटी। और यहां पर लिखा आपके सामने देखिए दू, दू का मतलब यहां से होगा आपके सामने दुसानिया चोटी, कौन सी चोटी होगी, यहां से दुसानिया चोटी। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है हवा, तो हवा का मतलब यहां से आपको याद रखना है, यहां से हरवा चोटी, हवा का मतलब आपको यहां से याद रखना है हरवा चोटी। और उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है लंगोटी, तो लंगोटी का मतलब यहां से आपको याद रखना है लंगोटिया चोटी, लंगोटिया चोटी। तो ये आपके सामने ये लंगोटिया चोटी, हरवा चोटी, इसके अलावा दुसानिया चोटी, सेरार चोटी और आवार चोटी, ये सारी की सारी चोटियां आपको राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगी, तो आप लोगों को बताना है कि ये उदयपुर जिले में मिलेगी। यहां से आपके सामने देखिए इसे उदयपुर जिले की बात करें, तो यहां से आप एक चोटी और भी याद रख सकते हैं, और उस चोटी का नाम है आपके सामने देखिए मनियोल चोटी।
कौन सी चोटी याद रखनी है आपको यहाँ से, मनियोल चोटी। ये मनियोल चोटी आपके सामने कौन से जिले में, उदयपुर जिले में है। तो मनियोल चोटी का संबंध आपसे पूछा जाए कि कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। और उसके अलावा आपसे यदि सिरवासा चोटी के बारे में पूछा जाए, तो देखिए सिरवासा चोटी है ये आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगी, तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा होगा, अलवर जिला। यानी अलवर जिले की बात करें तो वहां पर आपको सिरवासा चोटी मिलेगी, और यदि मनियोल चोटी की बात करें तो मनियोल चोटी आपको कौन से जिले में मिलेगी, तो याद रखिएगा उदयपुर जिले में मिल जाएगी। ये सारी की सारी चोटी आपको राजस्थान में यादें करनी है, कर लोगे। ये सारी की सारी चोटी है वो यहाँ से आप याद करोगे, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख पठारों की चर्चा करते हैं। तो प्रमुख पठार है राजस्थान में कौन कौन सा, जैसे आबू का पठार है, उड़िया का पठार है, भोरट का पठार है, लासड़िया का पठार है, मेसा का पठार है, मंदेसरा का पठार, कासना का पठार। इन सारे पठारों की अपने चर्चा करेंगे, और उनकी चर्चा करेंगे अपन कौन से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने पीछे की जो वीडियो नहीं देखे, पीछे की जो टॉपिक आपने नहीं देखे, तो प्लीज आप उन टॉपिकों को पहले आप देखिएगा, और वहां पर आप देखिए सारी की सारी चीजों को वहां से नोट करोगे, और सारी की सारी चीजों को वहां से याद करोगे। यानी टॉपिक इस तरीके से तैयार करके बात पढ़ाया गया है कि जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक बार पढ़ते ही सारी की सारी चीजें वो यादें हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।